कुरान की 26 आयतों को हटाने के संबंध में वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। इससे मुस्लिम समाज में उनके खिलाफ काफी गुस्सा फूट पड़ा है। मुस्लिम समाज के कई संगठनों ने इसकी निंदा की है। वहीं रायसेन में वसीम रिजवी के खिलाफ पुतला जलाया गया। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतों को हटाने के संबंध में एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। इसके अलावा रिजवी ने कुछ आयतों को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला भी बताया है। उनका दावा है कि ये आयतें कुरान में बाद में शामिल की गई हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसा करने से वसीम रिजवी के खिलाफ मुस्लिम समाज में काफी गुस्सा भड़क गया है। वहीं राहत मौलाई कौमी एकता संगठन की ओर से मुरादाबाद में आयोजित कार्यक्रम में बार के पूर्व अध्यक्ष अमरुल हसन ने वसीम रिजवी का सर काट कर लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। देखिए, शिया वक्त बोर्ड के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के वसीम रिजवी, जिन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया है कि हमारे कुरान पाक की जो 26 आयतें हैं उसको बदली जाए, और उनने माननीय उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर करी है, पीएल याचिका। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, ये दुनियावी किताब है, इसमें एक हर्फ ना चेंज हो सकता है ना बदल सकता है। मुस्लिम त्यौहार कमेटी रायसेन वसीम रिजवी के बयान की निंदा करती है, विरोध करती है। उसी के उपलक्ष्य में आज ये मुस्लिम त्यौहार कमेटी रायसेन ने आज उनका पुतला दहन किया है, और मुस्लिम त्यौहार कमेटी ये मांग करती है कि उसके ऊपर तत्काल FIR दर्ज हो, और जो वो अध्यक्ष बना बैठा हुआ है वो उसको केंद्र सरकार तत्काल हटाए। ये मुस्लिम त्यौहार कमेटी रायसेन की मांग है। जी बिल्कुल, क्योंकि कुरान पाक हमारा जो है आसमानी किताब है। ये मैं बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से भाइयों, वो इतनी पवित्र किताब है मुसलमानों की, उसके बारे में ऐसा शर्मनाक बयान देना। वसीम रिजवी, मैं तुम्हें वीडियो के माध्यम से, इस बात के माध्यम से चुनौती कर रहा हूँ, एक हर्फ जो है ना, एक हर्फ तुम चेंज नहीं करवा सकते हो, ठीक है ना। ये तुमने जो बयान दिया है और जो तुमने PI लगाई, तत्काल इसको वापस ले लो। अल्लाह को मुंह दिखाना है, मरना है तुम्हें भी। समझ में आ गई ना वसीम रिजवी साहब? ये सैयद पर आने ली रायसेन मध्य प्रदेश से तुम्हें चुनौती देता है। तुम्हारी जो PIL याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी है वो खारिज होगी, ये मैं दावा कर रहा हूँ। मैं भी वकील हूँ, ठीक है ना। तो ये जो है, ये जो हमारा आज जो विरोध है वो इस बात का है कि वसीम रिजवी जो है बहुत ही गिरा हुआ आदमी है, और उसने जो बयान दिया है पूरी तरह से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इसको नकार रहे हैं। मतलब कोई उसका कोई उन तथ्यों का कोई मतलब ही नहीं है जो उसने बोला है और जो उसने कोर्ट में केस लगाया है। तो मेरा नाम है अध्यक्ष सैयद फरहान अली, मुस्लिम त्यौहार कमेटी रायसेन, और वसीम रिजवी का इसी वजह से विरोध में पुतला दहन आज हुआ है।